आज हम आपको ले चलेंगे वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय की वोट यात्रा में। अजय राय की उम्मीदवारी इसलिए भी खास है क्योंकि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। मोदी की कोई लहर नहीं है और ये बनारस आज मैं आपको कहना चाहूंगा, आज रामनवमी का दिन है, भगवान राम का जन्म हुआ है आज, और आज रामनवमी के दिन सोनिया जी ने आशीर्वाद देकर हमें भेजा है बनारस की जनता की सेवा करने के लिए, और आज भगवान राम का जन्म हुआ है, रावण का वध होकर रहेगा। अजय राय के साथ वोट यात्रा शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं वाराणसी लोकसभा सीट के बारे में और कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के बारे में। वाराणसी लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी के नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के अजय राय और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के बीच कड़ा मुकाबला है। वाराणसी में अजय राय की उम्मीदवारी से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर लंबे समय तक मंथन चला कि आखिर मोदी के खिलाफ कांग्रेस कौन सा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी, और फिर अजय राय के नाम का ऐलान किया गया। अजय राय ने 1993 में बीजेपी ज्वाइन की। साल 2002 में बीजेपी शासन में वो सहकारिता मंत्री बने। 2009 में वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कुछ वक्त बाद समाजवादी पार्टी भी छोड़ दी और साल 2012 कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। वहीं वाराणसी सीट पर अरविंद केजरीवाल भी मोदी को चुनौती दे रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की नजर में वाराणसी में सीधा मुकाबला केजरीवाल और मोदी के बीच है, लेकिन मोदी को हराने के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। मोदी के खिलाफ मुख्तार अंसारी ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को समर्थन दे दिया है, पर दोनों के बीच की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। मुख्तार अंसारी पर अजय राय के बड़े भाई की हत्या का आरोप है। इस हत्याकांड में अजय राय मुख्य गवाह भी हैं। अजय राय का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, उनके खिलाफ कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। तो देश की सबसे चर्चित वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के साथ शुरू होती है वोट यात्रा। साथ में होंगे रिपोर्टर अविनाश सिंह। वाराणसी को बनारस और काशी भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक काशी की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 साल पहले की थी। वाराणसी विश्व का प्राचीनतम बसा हुआ शहर है। ये गंगा नदी के किनारे बसा है और हजारों साल से उत्तर भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। दो नदियों वर्मा और असी के बीच बसा होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। वेदों में भी काशी का उल्लेख है। संस्कृत पढ़ने वाले प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे। वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है, और इतनी पौराणिक और सांस्कृतिक मान्यताओं वाला यह शहर देश का सबसे बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। बनारस के लौराबीर में अजय राय का ये घर है, यहीं से अजय राय चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि सुबह का वक्त है और जो तमाम लोग हैं उनके समर्थक हैं और जो दूसरे लोग हैं यहाँ पर, वो अजय राय से मिलने आए हैं। सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और आपसे कुछ ही देर बाद अजय राय यहाँ से निकलेंगे चुनाव प्रचार के लिए। बहुत कम वक्त बचा है बनारस के चुनाव में, 12 तारीख को चुनाव होना है। उससे पहले हर प्रत्याशी जी जान से जुटा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचा जाए, उनसे बातचीत की जाए और अपने पक्ष में वोट की अपील की जाए। सुबह सुबह ही अजय राय अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से घिरे नजर आए। अजय राय की हर सुबह कुछ इसी तरह घर पर लोगों से मिलकर शुरू होती है। वोट यात्रा में आज हमारे साथ हैं बनारस से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय। अजय राय का ये घर है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं।
काफी सारे समर्थक हैं, कई क्षेत्रों का चुनावी दौरा करेंगे। आज पूरे दिन हम अजय राय के साथ रहेंगे, हालांकि आज हम उनसे जानते हैं कि आज वो कहां कहां जाने वाले हैं और किन किन मुद्दों पर यहां की जनता से वोट मांगेंगे। अजय जी, आज कहां कहां किन किन क्षेत्रों का दौरा करेंगे? अभी हमारी काशी विद्यापीठ में ब्लॉक में चल रहे हैं, उसके बाद आराजी लाइन जाएंगे, सेवापुरी जाएंगे, शहरों के तमाम कार्यक्रम लगे हैं। मैं समझता हूं कि अभी शुरुआत तो जनसंपर्क से हम शुरू करेंगे। जनसंपर्क से तो कितने बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा आपका? लगभग 2 बजे तक चलेगा गाँव में। तो कह सकते हैं कि बहुत ही बिजी शेड्यूल होता होगा आपका इस चुनाव के दौरान, सुबह से लेकर शाम तक आप चुनाव प्रचार करते हैं? मैं तो हमेशा 365 दिन जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के कार्य के साथ मैं हमेशा शुरुआत मेरी होती है सुबह से ही। तो 3 वर्ष है मेरा। तो अजय राय अपने घर से निकले हैं चुनाव प्रचार के लिए, और कुछ ही देर में अजय राय वोट यात्रा के अपने सफर पर निकल पड़े। उनके साथ गाड़ी में ही सवार हुए न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर अविनाश सिंह। वोट यात्रा में आज हमारे साथ बनारस से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय हैं, अभी चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और अब से लेकर शाम के 7 बजे तक चुनाव प्रचार चलेगा। अजय जी, इस बार कहा जा रहा है कि जो बनारस में चुनाव हो रहा है, विकास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, अस्तित्व लड़ाई, विकास तो सबसे बड़ा मुद्दा है बनारस के अंदर, तो सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी आवश्यकता है विकास की। और जो आज बनारस पिछड़ा है, वो बाहरी कैंडिडेट्स, जो बाहर के लोग आते हैं, सांसद चुनकर चले जाते हैं, और वो व्यक्ति बार बार फिर थोप दिए जाते हैं बाहर के लोग बनारस के ऊपर, तो बनारस के लोग बाहरी लोगों को इस बार पसंद नहीं कर रहे हैं। और बाहर का व्यक्ति बनारस के बारे में जानता ही नहीं कि कौन से मोहल्ले कहाँ हैं, कौन सी गलियाँ किधर हैं, कौन से रास्ते किधर हैं, कौन घाट कहाँ पर, उनको जानकारी नहीं है। जो लोग यहाँ के लोग उनको बताते हैं, या जो उनके जो अगल बगल जो घूमने वाले लोग हैं सुबह शाम उनके दरबारी, उस तरीके से शहर का विकास नहीं हो पाएगा। मुद्दा तो मेन विकास ही है, अस्तित्व जो बनारस हमारा मजबूत रहेगा तभी हमारा अस्तित्व है, तभी हम खुद लोग पूछेंगे। आज हमारी जो पूछ हो रही है, जनता हमको बार बार चुनाव अपने क्षेत्र से चुनाव जिताकर भेज रही है, इसलिए कि हम विकास करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा वही। अच्छा, एक चीज, एक आपका पोस्टर लगा हुआ है पूरे बनारस में, काशी का सच्चा सपूत, बीजेपी के लोग इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो कैसे सपूत हो सकते हैं, वो तो अपने घर के नहीं हुए, हमारे घर के नहीं हुए, पहले बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़कर वो सपा में गए, फिर कांग्रेस में चले गए। जनता का सपूत होना, जनता बार बार चुनाव जिता रही है, वो बीजेपी के नाते जिता रही है मुझे। भाजपा के लोग पहले अपने अंदर झांकें कि बाहर बाहर के व्यक्ति को लाकर हमेशा चुनाव लड़ाते हैं, हमेशा बाहर का व्यक्ति, घर एक भी बनारस का व्यक्ति उनको यहाँ मिला ही नहीं, क्या उनके पास इतना नेतृत्व का अभाव है कि बनारस में कोई नेता ही नहीं है उनका? तो वो पहले अपने अंदर झांके कि उनके अंदर स्थिति क्या है, वो बाहर के लोगों को हमेशा लाते हैं, हमेशा। तो क्या आपको लगता है कि मतलब बीजेपी में अब सिर्फ मोदी केंद्रित राजनीति हो रही है? बिल्कुल, आप देखिए बनारस के अंदर, बनारस के बाहर में तो मोदी केंद्रित राजनीति हो रही है, पर बनारस के अंदर जितने भी इनके होर्डिंग्स लगी थी, जितने फ्लेक्सेस लगे थे कि मोदी सरकार, मोदी को वोट दें, ये सब, ये 3 दिन के अंदर पूरे शहर के अंदर बदल गया। अब भाजपा को वोट दें, बनारस के नाम पर घाटों का उन्होंने दिखाया। क्यों? क्योंकि अजय राय ने जब बनारस की चीजों को टच कर दिया, बनारस की चीजों को उठाकर जनता के सामने रख दिया, तो घबराहट में इन्होंने उठाकर पूरा का पूरा अपने होल्डिंग्स, अपने फ्लेक्सेस सब चेंज कर दिए। अच्छा, एक चीज और कहा जाता है कि अजय राय कास्ट वाइज पॉलिटिक्स करते हैं। कौन कह रहा है ये बात? कुछ लोग बोलते हैं यहाँ के। नहीं, कैसे कहते हैं, हम साबित करें। मैंने कभी जात की राजनीति कभी की है? जात की राजनीति जो कहने वाले होंगे वो कह रहे होंगे, मैं कास्ट की पॉलिटिक्स आज तक मैंने कभी नहीं की। 5 वर्ष अपने क्षेत्र में विधानसभा का सदस्य हूँ और इंडिपेंडेंट भी विधायक रहा हूँ, निर्दल भी चुनाव मैंने जीता है, बाई इलेक्शन निर्दल जीता है। तो कास्ट की अगर पॉलिटिक्स करता तो इंडिपेंडेंट चुनाव कैसे जीतता? आपका अपने क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है, आप बीजेपी में थे, बहुत भारी मतों से आप चुनाव जीत कराते थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जब से मुख्तार अंसारी की पार्टी ने आपको सपोर्ट करने का फैसला किया, तो वैसे में हो सकता है कि जो आपके परंपरागत वोटर्स हैं, जो आपके कैडर वोटर्स हैं, शायद उनमें कुछ नाराजगी है इस चीज़ को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये आज बनारस के हित के लिए, देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, कि जो आज सांप्रदायिक शक्तियाँ जो अपनी जाल, अपना जो मकड़ जाल फैला रहे हैं
इनको तोड़ने के लिए जितने भी सेकुलर मिजाज के लोग हैं वो साथ दें, सबका स्वागत है। हम लोग तो सपा बसपा को भी चाहते हैं कि वो भी साथ खड़े रहें हमारे आके, क्योंकि उनकी कोई लड़ाई नहीं है। तो ये लोग अगर आ रहे हैं साथ में तो हम सबका स्वागत करते हैं। अलका राय बार बार इस चीज़ को बोल रही हैं, जो कृष्णन राय की पत्नी हैं, कि बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे आप लोगों के, उन्होंने कहा कि आपने उन्हें धोखा दिया। नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। धोखेबाज तो वो लोग हैं जो साथ रहकर पीठ पर खंजर मारते हैं। हम लोग धोखेबाज नहीं हैं, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं और काम करते हैं। और वो हमारी आदरणीय हैं, वो एक हमारे सम्मानित परिवार की हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बनारस में आपका मुकाबला किससे है, अरविंद केजरीवाल से या फिर नरेंद्र मोदी से? मैंने कहा ना कि बाहरी लोगों को बनारस की जनता पसंद नहीं कर रही है। बनारस के लोग बाहर के लोगों को, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों चाहे अरविंद केजरीवाल हों, दोनों ही बाहरी आउटसाइडर हैं। ये जीतेंगे तभी बनारस छोड़कर भाग जाएंगे और हारेंगे तभी इनका कोई यहाँ फटा ठिकाना नहीं है। मैं तो इसी बनारस के अंदर पैदा हुआ हूँ, इसी बनारस का हूँ, इसी बनारस के परिवार का बेटा हूँ, बनारस में रहूँगा। और आउटसाइडर्स जितने दोनों लोग तीनों, मतलब उसमें सपा का भी एक आउटसाइडर व्यक्ति है जो बाहर से आके चुनाव लड़ रहा है। और यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का है, बीच में और कोई नहीं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकल्प की बात होती है। अधिकतर पार्टियों अगर कांग्रेस को छोड़ दें, हालांकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि जो उसके कैंडिडेट होते हैं यहीं के होते हैं, लेकिन एक चीज़ और सामने आती है कि कमलापति त्रिपाठी को छोड़ दें तो बनारस में शायद ही ऐसा कोई कैंडिडेट हुआ है जिसने यहाँ के विकास के बारे में सोचा है। तो आपको क्या लगता है कि जो तस्वीर है बदलने वाली है या फिर बदलती दिख रही है आपको? नहीं, देखिए, बनारस के विकास में जितना भी योगदान हुआ है वो सब कांग्रेस ने किया है। चाहे आप बनारस का रेलवे स्टेशन आप देख लीजिए, चाहे बनारस के DLW को देख लीजिए जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, चाहे बनारस का भारत BHEL का कारखाना देख लीजिए, गैस रिफिलिंग प्लांट है, जितने भी तमाम विकास कार्य बनारस के अंदर हुए हैं और वो सभी काम कांग्रेस के समय हुए हैं। और अभी एक जो सबसे 20 साल में अगर एक परिवर्तन कहीं पर हुआ है तो वह है बावतपुर बनारस का हवाई अड्डा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, वो भी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने वो भी बनवाया। 20 साल में सिर्फ हवाई अड्डा बनारस में नया दिखाई देगा। और भाजपा के लोगों से आप इतना क्यों पूछ लें कि उन्होंने बनारस के अंदर कौन सा विकास कार्य कराया, एक बड़ा काम बता दें जो उनके खाते में जोड़ लिया जाए। आपके हिसाब से सर क्या बदलना चाहिए बनारस में, जो सबसे ज़रूरी चीज़ हो? सबसे ज़रूरी है बनारस में भाजपा का जो एक मकड़ जाल है ये टूटना चाहिए, ये समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये केवल सांप्रदायिकता के नाम पे वोट लेते हैं, ये केवल जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेते हैं। इनके पास अपना कोई विजन नहीं है काम करने का, इनके पास अपनी कोई सोच नहीं है काम करने की। तो भाजपा मुक्त बनारस होना चाहिए। तो हमारे साथ अभी अजय राय हैं, वोट यात्रा में हमारे साथ हैं। अजय राय का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो भाजपा पार्टी है, भाजपा के जो सभी उम्मीदवार होते हैं वो बाहर से लाए जाते हैं, वो चुनाव जीतते हैं, लेकिन उसके बाद वो बनारस का विकास करना भूल जाते हैं। आज ये बनारस पूरा लगता है कि हम गाड़ी में बैठे बैठे अजय राय लगातार कहते रहे कि वाराणसी में कुछ काम नहीं हुआ, जबकि दूसरे शहर कहीं आगे बढ़ गए। वाराणसी के रास्तों से होते हुए अजय राय का काफिला आगे बढ़ा। अजय राय जैसे ही अपने पहले पड़ाव पर पहुंचे, फूलों की मालाओं से उनका स्वागत किया गया। वोट यात्रा के सफर में अजय राय आप पहुंचे हैं राजा तालाब। आप देख सकते हैं कि जो यहां के कार्यकर्ता हैं फूल मालाओं से इनका स्वागत कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और इनका सफर आगे भी जारी रहेगा। हालांकि जिस तरीके से यहां का हर प्रत्याशी विकास की बात कर रहा है, लेकिन काशी का दुर्भाग्य है कि विकास नहीं हुआ है, सड़कें टूटी फूटी हैं, बिजली की भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी यहाँ पर बिजली नहीं आती है। और वोट देने के बाद ये बनारस का बार बार चुनाव होता है 5 सालों में, और हर बार कोई ना कोई बाहरी आदमी आके चल जाता है यहाँ से चुनाव जीत। वो छोरा लेके अगला छोरा लेके चुनाव लड़के जीत के चल जाता है। खजूरी के लोगों का हालचाल लेवे नहीं आवे, राजा तालाब के लोगों का हालचाल लेवे नहीं आवे। यही बगल में छोटी खजूरी में बड़ी सभा हुई लग ना मोदी जी का ये छोटी खजूरी में लग लग। और जितना लोग अलग तो वहां पे अलग गए, बाकी जितने वहां पर फसल खड़ी रही किसान का वो के भी चहल देवल गई।
उधर भी कोनो मुआवजा ना मिलल कोई मिलल कोई। यहां जनसभा को संबोधित करने के बाद अजय राय आगे बढ़ गए। अजय राय पहुंचे वाराणसी के छोटी खजूरी गांव में। वोट यात्रा के दौरान अजय राय आ पहुंचे हैं छोटी खजूरी में, एक छोटा सा गांव है। यहां पर यहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बनारस में विकास और दूसरे मुद्दों के साथ साथ बाहरी और लोकल का भी एक मुद्दा है। जो अजय राय हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल बाहर से आए हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। यहाँ से जो सांसद हैं अभी मुरली मनोहर जोशी, आपको लगता है कि आपके गांव के लिए उन्होंने कुछ किया है? यहाँ पर कुछ नहीं किया अभी है? कुछ नहीं किया है। अजय राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना सांसद कैसा हो? अजय राय जैसा हो। उनका सांसद कैसा हो? अजय राय जैसा हो। अपना सांसद कैसा हो? अजय राय जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय राय दूसरे गांव पहुंचे। तो मंत्रोच्चारण से शुद्धि के बाद उनका स्वागत किया गया। वोट यात्रा का सफर जारी है और वोट यात्रा के दौरान हम आ पहुंचे हैं बनारस के एक और छोटे से गांव में। हालांकि जब अजय राय यहां पर पहुंचे तो गांव के कुछ लोगों ने उनके लिए पूजा की। एक पुजारी हैं, इन्होंने ही पूजा की। क्या मांगा आपने भगवान से अजय राय के लिए? मैंने भगवान से और माता आदिशक्ति से यही प्रार्थना किया कि अजय राय हमारे भूमि के नेता हैं, सागरी कार्यकर्ता हैं, वो सभी जनता के बीच में रक्षा करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, उनको भारी मतों से विजयी बनाने का उम्मीद रखा। हमारा नेता कैसा हो? अजय राय जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? अजय राय जैसा हो। अजय राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय राय के भाषणों में एक बात पर उन्होंने बार बार जोर दिया कि स्थानीय नेता ही चुनो, वही भला करेगा। तो हर बार आप लोग देवल जाना, हर बार देवल जाना, हर पांच साल में लोकसभा विधानसभा का चुनाव होला, ओके आप लोग वोट देवल जाना। और वोट देने के बाद फिर जनता के मिलेगा का कहाँ मिलेगा? तो नेता की खोजत रहना, नेता लोग नहीं मिलता। गलत बोला थे तो बतावे, यही होला ना। तो आज अपने घर का आदमी चुना, जैसे आप बबलू के चुनल, आप लोग चुन ले हो, आप लोग चुनल कल इनके, तो अपने गांव का हूँ नाप के। वोट यात्रा के दौरान अजय राय अब पहुंच गए हैं असाढ़ गांव में। हालांकि आज सुबह से ही अभी तक जो ग्रामीण इलाके हैं बनारस के, वहां पर ये जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि असाढ़ गांव में एक छोटी सी सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं अजय राय, खासकर मोदी पर निशाना साध रहे हैं। मोदी, नरेंद्र मोदी को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घर के उम्मीदवार पर भरोसा दिखाएं लोग। और इनकी कोशिश ये भी है कि भोजपुरी में यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप खुद सुन सकते हैं, ताकि जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बातचीत कर सकें और उनका भरोसा जीत सकें। बनारस के कई गांवों में जनसंपर्क करने के बाद अजय राय पहुंच चुके हैं बनारस के कांग्रेस ऑफिस में। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर अजय राय कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि आज
पूरे जनसंपर्क के दौरान अजय राय ने नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। नरेंद्र मोदी को बाहरी बताते हुए उन्होंने बनारस की जनता से अपील की कि उनके ऊपर भरोसा किया जाए, क्योंकि उन्हें उनके बीच रहना है। यहीं से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी और वहीं उनके विकास के लिए काम कर सकते हैं। वाराणसी में न्यूज एक्सप्रेस की वोट यात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल सभी के मन में जरूर है कि आखिर काशी का किंग कौन बनेगा। मोदी की लहर कमाल दिखाएगी, केजरीवाल की मेहनत रंग लाएगी, या फिर लोकल लीडर होने का फायदा अजय राय को मिलेगा।